गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल गल्लावर। बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 4F कराने जा रही हूँ, क्लास फोर। इसमें क्या है कि हमें ये बताना है कि कौन कौन से डिजिट 2 से 3 से या 4 से डिविजिबल होगी। आज मैं आपको 4 और 5 तक ही बताऊँगी, 2, 3, 4, 5 तक डिविजिबल होगी। इसमें क्या होता है, यदि हमें ये बताना है कि ये डिजिट 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो जो वंस की प्लेस, वंस का प्लेस कौन सा होता है, ये वाला जो होता है, जो सबसे पहले होता है राइट हैंड से, जो वंस की प्लेस पे जो डिजिट हो, यदि वो 2 से डिवाइड होगी तो वो पूरी डिजिट 2 से डिवाइड होगी। उसी तरह से 3 से डिविजिबल कैसे पता लगेगा हमें, उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी डिजिट यदि उसके नंबर्स का सम 3 से डिवाइड है तो वो डिजिट 3 से डिविजिबल होगी। जैसे 8019, तो 8019 को प्लस करो, 8 प्लस 1 9 9 प्लस 1 9 9 प्लस 1 9 9 प्लस 9 18 18, यानी 3 की टेबल में 18 आ रहा है, इसका मतलब 819 3 से डिविजिबल होगी। उसकी यदि जितनी भी डिजिट हैं उनका प्लस करके वो 3 से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब वो डिजिट 3 से डिवाइड होगी। इस तरह से हम पता लगाएंगे। और यदि हमें पता लगाना है कि कोई भी डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो रही है कि नहीं, उसके लिए राइट हैंड साइड से लास्ट जो 2 डिजिट है यदि वो 4 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब वो पूरी डिजिट 4 से डिवाइड होगी। इसी तरह से हमें पता लगाना है कि कोई भी डिजिट 5 से डिवाइड हो रही है, तो वंस की प्लेस पे यदि 0 और 5 है, या तो वंस की प्लेस पे 0 है या वंस की प्लेस पे 5 है, तो वो डिजिट 5 से डिवाइड होगी। अब जैसे एक्सरसाइज है, फर्स्ट लेग क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग नंबर ऑफ डिवाइजेबल ऑफ बाय 2, तो 582। तो जो वंस की प्लेस पे जो नंबर है वो 2 से डिवाइड है, या फिर ये लगा लो यदि वो इवन नंबर है तो ये पूरी डिजिट 2 से डिवाइड होगी, यदि वंस की प्लेस पे ऑड नंबर है तो वो पूरी डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से ये पूछे हैं सेकंड क्वेश्चन, 232 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि वंस की प्लेस पर जो डिजिट है वो 2 से डिवाइड हो रही है, और 98 भी 2 से डिवाइड होगा। क्या इन दोनों का सम भी 2 से डिवाइड होगा, तो इन दोनों को सम करेंगे, फिर उस डिजिट का वंस की प्लेस पे देखेंगे, यदि 2 से डिवाइड हो रही है तो ये डिजिट 2 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं। सेम ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि ये सब डिजिट में से बताना कौन सी 4 से डिवाइड है, तो लास्ट 2 डिजिट देखनी है, जैसे 48 राइट हैंड साइड से लास्ट 2 डिजिट, तो 2 ही हैं इसमें, तो 48 4 से इसलिए डिवाइड होगा क्योंकि 48 की 4 से डिवाइड हो रहा है। इसमें क्या है, 384, तो 3 नहीं लेंगे, सिर्फ 84 लेंगे और उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे, यदि वो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो डिजिट 4 से डिवाइड होगी पूरी भी। इसी तरह से 6 सम है और 7 है, आपको 7 तक, आपको 9 तक, सॉरी 9 में बताना है कौन सी 5 से डिवाइडेबल है या नहीं है, 9 तक। और क्वेश्चन नंबर 10, गिव 2 नंबर्स बिटवीन 30 और 50 विच आर डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 10। 30 और 50 के बीच में 2 नंबर बताने जो 5 से तो डिवाइड हो पर 10 से ना हो, तो एक तो 35 ही हो गया, 40 नहीं होगा क्योंकि वो 10 से डिवाइड होगा, और एक 45 और 45, तो ये आपका काम है।